दोस्तों, आजकल सब लोग आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं ताकि लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सके, लेकिन यहाँ पर नई चीज देखने को मिल रही है, वो ये कि इतने सारे कंटिन्यूसली आईपीओ लॉन्च हो रहे और नए रिटेल इन्वेस्टर भी आ रहे, बट आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो उनके पैसे उन्हें रिफंड नहीं होते, तो सभी नए लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जिसका सोल्यूशन उनके पास नहीं होता है। तो ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपके पैसे वापस आते हैं? इस केस में नॉर्मली दो रीजन हो सकते हैं। जब आईपीओ एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक करते हैं या किसी गलत स्ट्रेटर्जी को फॉलो करते हुए एप्लीकेशन फिलअप करते, आईपीओ लॉन्च करने वाली कंपनी किसी भी रीजन से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो पाती। वैसे देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई तो सेबी की गाइडलाइन से अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की परमिशन नहीं मिलती तो आईपीओ पर लगाया गया पैसा 4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। पहले रिफंड की सीमा 7 दिन थी, अब 4 दिन कर दिए, लेकिन अगर 4 दिन के बाद भी आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको आईपीओ अलर्ट नहीं होता है, तो आपको टेंशन आना लाजमी है। इसका मतलब आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते और उस पैसे को यूज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी आपके रिफंड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी होती है आईपीओ रजिस्टर की। आपका पैसा ज़रूर सेफ होता है पर बस आपके पैसे रिफंड लाने के लिए कुछ रास्ते अपनाने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार के कोई लोकल ऑफिस में जाए, अपने कंप्लेंट दर्ज कराएं, आपसे कंप्लेंट की एक फॉर्म फिलअप कराई जाती है जिसमें आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है विथ ईमेल और मोबाइल नंबर, और रजिस्ट्रार अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाता है जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कंपनी नेम, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई, एप्लीकेशन अमाउंट, चेक नंबर, बैंक आईडी एंड डीपी आईडी। ये फिल करने देने के बाद वो उसके बेस पर एक्शन लेते और आपके पैसे को रिफंड करते। पैसे 100% रिफंड होंगे, बस आपको सभी चीज़ें सही सही भरनी होगी। सेबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाए, कंप्लेंट को रजिस्टर करें, आपको सिंपली एक फॉर्म फिलअप करना होगा, सारी डिटेल्स करेक्ट डालनी होगी और आपके पैसे आ जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। धन्यवाद।